चैतन्य उपयोग, इसको उपयोग कहते हैं, यानी वो जानने देखने का जो व्यापार जो कार्य चलता है इसको यहाँ उपयोग कहते हैं। वहाँ दर्शन ज्ञान उपयोग जीवों का लक्षण है, ये जीव का लक्षण है, इसका वो स्वभाव है, इसका वो तो वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गलों का लक्षण है। पुद्गल किसको कहना, जो दिखता है वो पुद्गल, क्या ये लक्षण बराबर है? वो सभी पुद्गलों में पाया जाना चाहिए। परमाणु तो दिखाई नहीं देता, कितने बड़े बड़े स्कंद भी दिखाई नहीं देते, तो जो दिखता है वो पुद्गल, हाँ दिखने वाला तो सारा पुद्गल है ही है, परंतु मात्र जो दिखता है वही पुद्गल ऐसा नहीं कहेंगे, उसके लक्षण कहना है। तो उसको कहेंगे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसको हम पुद्गल कहेंगे, यानी वो भले इंद्रियों के द्वारा जानने में आवे या न आवे। ऐसे भी कोई पदार्थ है कि जिनके स्पर्श रस गंध वर्ण हमको इंद्रियों के द्वारा नहीं जानने में आते, ऐसे कोई मालूम है पदार्थ? कर्म तो खाली एक अंतराय कर्म ही दिखता है, दूसरा कोई नहीं दिखता, जो स्वाध्याय में बराबर आड़ा आता है। टीवी देखते समय कभी अंतराय नहीं आता सामने, ना कोई अन्य जो हमें कहीं घूमना है, शादियों में जाना है, ब्याह में जाना है, कभी अंतराय, कभी इतना स्यांगा है कि हमारी जो रुचि वाली चीजें हैं कभी नहीं आड़ा आता। तो यहाँ दर्शन ज्ञान उपयोग जीव का लक्षण है, वर्ण गंध स्पर्श वर्ण ये पुद्गल का लक्षण। आगे कहते हैं गति स्थान अवगाह वर्तनारूप क्रिया का उपकार, ये धर्मादि चार द्रव्यों के लक्षण। इसका अर्थ हम देखते हैं, इस सार हम समझते तो है सबको, यहाँ की कुछ अटपटी भाषा आती है तो हमें ऐसा लगता है हमको कुछ नहीं समझ में आता, क्या कहना चाहते हैं। ये जो अन्य चार द्रव्यों की परिभाषाएं जो बताई है वो जीव पुद्गलों के जो निमित्त रूप उनके कार्य है उसमें उसका वर्णन आता है, एक दो लाइन में उसका वर्णन होगा, उनमें भी अपने अनंत गुण है कि नहीं है। परंतु यहाँ छह द्रव्यों के जो उसके हम लक्षण मानते हैं, तो ये धर्म द्रव्य किसको कहना, तो हमने जीव पुद्गल में कौन से निमित्त रूप से उसका क्या कार्य है बस इसकी चर्चा है। ये चारों का ही जो है कार्य तो उसका एक एक लाइन भी बताया जाता है। वहाँ क्या गति स्थान यानी स्थिति, अवगाहन यानी ठहरना उसको, और वर्तनारूप क्रिया उसका परिणाम है, इसमें उपकार। देखो ये कितने उपकारी है, परोपकारी है ना। उपकार का अर्थ क्या होता है? निमित्त। तो निमित्त कितना हेल्प करता होगा? कुछ नहीं, निमित्त ही उसे कहते हैं कि जो अन्य परद्रव्य के कार्य में कुछ नहीं करता वो निमित्त है। तो उसका नाम क्यों लेते हैं? वो होता है हाजी, इसलिए उसका नाम दिया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ वहाँ दो कारण होते ही, एक उपादान यानी जीव की को या द्रव्य की, स्वयं की अपनी निज शक्ति, उसी से कार्य होता है, उसी मात्र से कार्य होता है। जो स्वयं परिणमता है वह द्रव्य ही उसकी जो उपादान शक्ति से परिणमता है। उस समय अन्य किसी द्रव्य के हाजिरी आते ऐसा लगता है इसके कारण हुआ कार्य, तो उसको निमित्त कहने में आता है, वो तो आरोप है, उसका उपचार है। निमित्त अन्य द्रव्य में कुछ नहीं करता, ये पहले निमित्त की, ये निमित्त और उपादान ये बहुत ऐसा सिद्धांत है मूलभूत जीवन का कि उसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो बस हम निमित्त से, क्योंकि जो भगवान है ना उनके द्वारे हमको समय दर्शन होने वाला है, हमें कोई गुरु नहीं मिला ना इसलिए हमको समय दर्शन नहीं हुआ, ये सारी निमित्ताधीन दृष्टि हो रही है। तो यहाँ तो ये निमित्त के बारे में वो जीवों का पुद्गलों का जो स्वयं अपना अपना कार्य हो रहा है उसमें इन द्रव्यों को निमित्त कहा, उनकी हाजिरी बस वहाँ पर है, तो इतना बता रहे। देखो गति स्थान अवगाह वर्तनारूप क्रिया का उपकार, उसको कहते उपकार, तत्वार सूत्र में भी वो उपकार शब्द आया है वहाँ, और कहते क्या परस्परों को ग्रहो जीवन है, उपग्रह करो उपकार को, तो जीवों को एक दूसरे को उपकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? उपकार करते वो हम दूसरे को परोपकार करते हैं उसकी बात नहीं है, ये तो निमित्त होते हैं बस इसकी बात, क्योंकि तो गति और स्थिति में तो धर्म और अधर्म का उपकार है, उपकार है वो निमित्त है। ठहरने में आकाश का उपकार है, उपकार है वो निमित्त है, ये निमित्त है। निमित्त है का अर्थ है वो अन्य द्रव्य के कार्य में कुछ नहीं करता, ये निमित्त का अर्थ है।
ये नक्की करना है पहले निकल से। कोई भी हम अनुयोग पढ़ेंगे, स्पेशली जो हम करना अनुयोग पढ़ते तो वहाँ तो निमित्तों की भाषा होती है। कथन भले निमित्त से हो परंतु कार्य तो उपादान से ही होता है। प्रत्येक द्रव्य की अवस्था अपने स्वयं की उपादान से होती है। बस ये पक्का खुमरा है जिना बन, ये पूरी स्वतंत्रता। तो यहाँ कहते वो उपकार है, वहाँ गति हेतुत्व, हेतुत्व ने हेतु बना, निमित्त बना, वो धर्म द्रव्य का लक्षण है। अगर धर्म द्रव्य ही जीव दुर्गम को चलावे तो वो खींच रहा है चलाने को, और अधर्म द्रव्य क्या कह रहे हैं, रुकने के लिए खींच रहे। तो जीव और उद्गम की अवस्था कैसी हो जाएगी? जैसे माँ बाप झगड़ा करते तो बच्चों की कैसी होती होगी ना अवस्था, वैसे हमारी हो जाएगी कि हम चलेंगे स्थिर रहे। धर्म द्रव्य वहाँ हाजिर है, जब जीव और उद्गम स्वयं चलते हैं तो वहाँ धर्म द्रव्य निमित्त रूप से हाजिर। जब वो स्वयं रुकते हैं चलते हुए जो रुक जाते हैं तो अधर्म द्रव्य की वहाँ उपस्थिति है, बस वो निमित्त। यहाँ नीचे के पैराग्राफ में यहाँ लिखा है, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का लक्षण है, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का लक्षण है, अवगाह हेतुत्व अवगाहना देना, ठहरने के लिए जगह देना, आकार द्रव्य का लक्षण है, वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य का लक्षण। छवो द्रव्य स्वयं अपने से ही परिणमित हो रहे, स्वयं अपना अपना परिणमन स्वयं कर रहे हैं, तो वहाँ काल द्रव्य उपस्थित है। तो हम कहेंगे काल द्रव्य उसके वर्तना में, उसके परिणमन में वो निमित्त है। गति स्थिति अवगाह, ये तीन क्रियाएं जीव और पुद्गल ही के पाई जाती है। गति किसको कहना, प्रदेश से प्रदेशांतर अन्य प्रदेश को प्राप्त होना वो गति है। गमन करके कहीं रुकना वो है स्थिति, और गति स्थिति सहित वास करना। वैसे धर्म अधर्म भी अपने अपने जगह वास कर रहे, परंतु उसकी बात नहीं, गति या स्थिति सहित वास करना, वास करने ठहरना, उसको अवगाह क्रिया कहते हैं। धर्म अधर्म और आकाश में ये क्रिया नहीं है, क्योंकि उनका स्थान चलन प्रदेश चलन नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं, धर्म द्रव्य कहाँ है, पूरे लोक आकाश। तो थोड़ा तो ऐसा बाहर जाता होगा कि नहीं जाता, यानी उसका अपना स्थान इधर से तुरंत नहीं होता। परंतु धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश है ना, तो ये असंख्यात प्रदेश अंदर ही अंदर घूमते होंगे कि नहीं होते, बोलो मालूम क्या कहते हैं, नहीं घूमते। वो स्थान से भी चलता नहीं है और प्रदेशों का भी चलन नहीं हो रहा, ये कहना चाहते। स्थान चलन भी नहीं और प्रदेश एक ही जगह स्थिर है ना, हाँ स्थिर, तो एक जगह में रहते हुए धर्म और अधर्म द्रव्यों के प्रदेश घूमते हुए, क्योंकि वो जीव और पुत्र को चला रहे हैं ना, तो नहीं, उनका प्रदेशों का भी हलन चलन नहीं हो रहा, ये कह रहे। वो अनादि अनंत ऐसे स्थिर ही है, यही कह रहे कि धर्म अधर्म और आकाश में जिसको अवगाह था ना कि गति और स्थिति करके कहीं ठहरना, ऐसी बात इन तीन द्रव्यों में नहीं होते, ना धर्म द्रव्य में, ना अधर्म, ना आकाश में, काल में तो होते ही। वो स्थान चलन और प्रदेश चलन का अभाव है, अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान को प्राप्त होना वो स्थान चलन है, और प्रदेशों का चंचल रूप होना वह प्रदेश चलन है। तो ये धर्माधिक द्रव्य यानी धर्म अधर्म आकाश तीन की बात है। गति स्थिति और अवगाह क्रिया के मुख्य साधक है, साधक करते हैं निमित्त है। जीव पुद्गलों की जो गति स्थिति अवगाह क्रिया होती है उनको वे निमित्त मात्र ही है, ये निमित्त मात्र है, वो जीव पुद्गलों को चलाते नहीं है, यही बात यहाँ आगे के गाथा में कही है। तो उसका टीका पढ़ते हैं। जैसे गमन करने वालों को पंथ अर्थात मार्ग कारण है, रुकने वालों को आसन अर्थात स्थान कारण है, निवास करने वालों को वसतिका अर्थात निवास करने का क्षेत्र कारण है, वैसे गति स्थिति और अवगाह के कारण कारण निमित्त धर्मादिक द्रव्य है। जैसे वे पंथादिक यानी वो मार्ग रास्ता स्वयं तो गमनादि नहीं करते, हम बम्बई से ट्रेन से आए यहाँ पर तो वो तो रेलवे है ना, कौन सा वो ट्रैक नीचे की पटरी पटरी
जिस पर वो हमारी ट्रेन चल रही है, तो पटरी स्वयं चलती है कि नहीं चलती? वो स्थिर है, और स्वयं जब ट्रेन चलती है तो वहाँ पर वो हाजिर, वो चलाती नहीं है, वो चलने वाली के लिए वहाँ पर हाजिर है, उपस्थित है, उसको नहीं होती है। ये कहते हैं कि पंथाधिक स्वयं गमन नहीं कर रहे, यहाँ लिखा ना, और जीवों को प्रेरक होकर गमनादि नहीं कराते, परंतु जो स्वयमेव गमनादि करते हैं उनको कारणभूत होते, कारणभूत होते हैं, निमित्त होते हैं, वहाँ हाजिर है बस। सो कारण इतना है कि जहाँ पंथादि हो वहाँ ही वे गमनादि रूप प्रवर्तित है। वैसे धर्मादि द्रव्य स्वयं गमनादि रूप नहीं करते, उद्गलों को प्रेरक होकर गमनादि क्रिया नहीं कराते। प्रेरक हो गए थोड़ा धक्का मारते हो गए, स्टार्ट करते हो गए, ऐसा नहीं है। स्वयमेव गमनादि क्रिया रूप प्रवर्तने वाले जो जीव और पुद्गल, उनको सहकारी कारण, सहकारी कहो, निमित्त कहो, साधक कहो, बात एक ही है। सो कारण इतना ही है, धर्मादिक द्रव्य जहाँ हो वहाँ ही जीव और पुद्गल गमनादि क्रिया रूप प्रवर्तन। ये तो आसान है, हमने सबने बहुत बार इसको पढ़ा है। आगे कहते हैं 658 पर, वर्तन है, वर्तन मात्र नहीं हो, परिणाम ना विद्यमान रहना। 658 पेज पहले, धर्मादिक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों की निष्पत्ति में स्वयमेव वर्तमान है, वर्तमान में ही लगे रहे, यानी सभो द्रव्य अपनी अपनी परिणति स्वयं करते। ये तो मालूम है, क्योंकि जो स्वयं परिणमन करता है, द्रव्य स्वयं परिणमित होता है अपने पर्यायों से, कोई अन्य आके उसका परिणमन नहीं कराता, क्योंकि परिणमना ये द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य कायम रहते हुए, कायम यानी हर समय परिणमता है, ये द्रव्य का स्वभाव है। तो कहते हैं उनके किसी बाह्य कारणभूत उपकार बिना वह प्रवृत्ति होती नहीं। ये क्या कहते, जहाँ कारण होता है, जो कार्य हो रहा है, वहाँ तो अंदर का जो निज शक्ति तो है ही, वहाँ बाह्य जो कोई वहाँ उपस्थित होता है द्रव्य, उसको कारणपणे का उपचार होता है, निमित्त कहते। तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से अपने में परिणमन करता है, तो वहाँ कौन सा ऐसा द्रव्य है कि जिसको हम बाह्य कारण कहेंगे, तो उसको कहेंगे काल द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने में परिणमन करता है, उसके लिए निमित्त कौन कहा जाता है, काल, उसका निमित्त कहेंगे। देखो निमित्त को कहना कि इसने कार्य किया, कहना बात अलग है, उसको कहीं कहीं कर्ता भी कहते हैं, परंतु निमित्त की बात है। प्रत्येक जो परिणमन होता है वो द्रव्य ही स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमता है, वो स्वभाव रूप हो या विभाव रूप हो, वो द्रव्य का अपना स्वयं का कार्य है, वो उसके अपने में होता रहता है, यही इसकी चर्चा से है। अब ये जो काल जो है, देखो नीचे आगे जो उत्तर है उसके नीचे की दूसरी लाइन पढ़ लेते, काल स्वयं क्रियावान नहीं होता, काल के निमित्त से वे स्वयमेव परिणमते हैं, कौन, सभी द्रव्य। तो काल के लिए कौन सा निमित्त होगा, वो स्वयं, ऐसा आता है बृहद्रव्य संग्रह में पूछा है, किसने लिखा बृहद्रव्य संग्रह, स्वयं पूछते कि काल द्रव्य का निमित्त कौन है, उसके लिए वर्तन है कि, तो स्वयं उसका अपना निमित्त है, ऐसा उसमें आता है। अब उस काल का निर्णय कैसे होगा, ये काल का निर्णय नहीं, काल द्रव्य का हमको निर्णय करना है। ये काल जो समय बीत रहा है उसको तो हमें पहचान है, क्योंकि हम अभी आए और घंटा भर हम यहाँ बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो ये घंटा बीत गया, इस काल का तो हमें अनुभव हो रहा है, हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, इतने इतने घटना पढ़ेंगे, तो ये काल बीत रहा है, ये तो हमारे आपके अनुभव में आता है। तो ये तो काल द्रव्य की पर्याय है, और जहाँ पर्याय होते हैं, जहाँ जो कुछ परिणमन होता है वहाँ उसका द्रव्य होना ही चाहिए, बिना द्रव्य के वहाँ परिणमन नहीं है। काल जो व्यवहार का जिसको हम कहते हैं समय घंटा इतने मिनट बीत गए है, तो वहाँ उसका कोई द्रव्य होना ही चाहिए, तो ये है काल द्रव्य। क्योंकि ऐसे भी जीव है कोई, इनके काल द्रव्य को ही नहीं मानते, व्यवहार काल को मानते हैं, तो बिना द्रव्य के उसकी पर्याय नहीं हो सकती, ये कहना चाहते, वही बात यहाँ की करो।
ये काल का निर्णय कैसे होगा? काल का निर्णय नहीं, वो तो काल है, उसकी विद्यमानता है, ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो यहाँ कहते हैं, देखो ये नीचे का पैराग्राफ, समय घड़ी, घड़ी किसको कहते हैं? ये हाथ में बंदी वो घड़ी नहीं, 24 मिनट की एक घड़ी तथा दो घड़ी का एक मुहूर्त कहलाता है। इत्यादि क्रिया विशेषों को लोक में समय आदि कहते। क्रिया विशेष यानी वो तो कुछ काल भी दिया ना, एक सेकंड हो गया, 60 सेकंड हो गया, मिनट हो गया, एक घंटा हो गया, एक क्रिया विशेष हुआ तो उसको समय आदि कहते हैं। तथा समय घड़ी इत्यादि द्वारा जो पचनादि क्रिया होती है उनको लोक में पाकादि कहते हैं। यानी इतने काल में ये कार्य हुआ, जैसे हमारा बच्चा जन्मा फिर एक साल हो उसका हैप्पी बर्थडे माने ना, ज़्यादा नहीं होता, एक साल का बच्चा हुआ तो इतने समय में वो इतना बड़ा हुआ, ये कार्य हुआ ना, तो ये समयों में बताया जाता है। वहाँ उसमें काल शब्द का आरोपण करके समय काल, घड़ी काल, पाक काल इत्यादि कहते हैं। सो यह व्यवहार काल, यानी जो समय बीतता है, ये जो बात हमारे आपके अनुभव में आती है इसको कहेंगे व्यवहार काल। ये काल द्रव्य की पर्याय, तो जहाँ व्यवहार काल है वह तो मुख्य काल के अस्तित्व को दर्शाता है। नहीं समझ, पर्याय हमारे ख्याल में आती है वो किसको बता रही है? द्रव्य को बता रही है। आत्मा है कि नहीं? क्या बोला शास्त्र जी, अगर आप दिन भर चिल्लाते हो तो होगी ना, तभी तो आप चिल्ला रहे हो आत्मा आत्मा कर। पंखा घूम रहा है कि नहीं? हवा आ रही है थोड़ी थोड़ी आ रही है। यहाँ दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है। ये माइक दिख रहा है? दिख रहा है। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ दे रही है। यानी हमारी ज्ञान की पर्याय हमारे ख्याल में आ रहा है, हम जान रहे हैं ये हमारे ख्याल में आ रहा है। आत्मा है क्या पता? ये जानने की पर्याय किसके अस्तित्व में हो रही है? अरे ये जानने की पर्याय तो हमें अपनों को बता रही है। यह मैं जान रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बाजू वाले को नहीं पूछना पड़ता। आप कह रहे आप क्या बोलते, हमारी कुछ नहीं समझ में आता। तो ये समझ में नहीं आता है किसको पूछा? बाजू वाले को पूछा कि आपने अभी किया? तो इतना तो समझ में आया कि नहीं कि कुछ नहीं समझा? ये किसने समझा? तो ये समझने वाली जो पर्याय है, ये जो जानना जानना कार्य हो रहा है, ये कार्य किसको बता रहा है? ये तो द्रव्य को बता रहा है। किसको? मेरे को, अपने को बता रहा है। और हमें उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना है, शिखर जी के पर्वत पर हुआ मिल जाएगा, है ना। यहाँ क्या कहें, व्यवहार काल हमारे ख्याल में आता है वो निश्चय काल को बता रहा है। ये क्या करना चाहते? देखो आगे, क्योंकि जो गौण है वह मुख्य की सापेक्षता वाला है। जैसे किसी पुरुष को सिंह कहा, वहाँ जाना जाता है कि जगत में कोई सिंह नामक पदार्थ पाया जाता है, ऐसा काल का निश्चय करते हैं। केवली भगवान प्रत्यक्ष जाने, क्योंकि केवली भगवान जो रूपी पदार्थ हो या अरूपी हो उसको तो प्रत्यक्ष जानने वाले हैं, उनको प्रत्यक्ष जानकर बताया। और उन्होंने जो जानकर बताया है वो आगम से हम जानते हैं, तो हमारा जानना भी उतना ही सही है। इसमें गाथा है, केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में जो अंतर मानता है वो मिथ्या दृष्टि। प्रत्यक्ष और परोक्ष का भले अंतर है, परंतु केवल ज्ञानी ने 6 द्रव्य बताए और हमने भी आगम से 6 द्रव्य होते ऐसा जाना, तो हमारा जानना ये सही जानना। केवल ज्ञानी ने भी जाना कि जीव अनंत है, उन्होंने प्रत्यक्ष जानकर बताया, और जो उन्होंने प्रत्यक्ष जानकर बताया वो हमने आगम से जाना, तो हमारा जानना भी सही जानना है। इसको जानना कहते, नहीं जानना नहीं कहते। बाकी तो लौकिक में हम बहुत से आने हैं, आपने आपको पूछा कि ब्लड चेक किया? हाँ किया। उसका रिपोर्ट क्या है? कितनी है ब्लड शुगर? तो इतनी इतनी। कैसे जाने? देखो ना हमारे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर कितना भरोसा है? छोटा, भले वो गलत आ जाए किसी का रिपोर्ट, किसी को छप जाए तो भी, परंतु ये आगम का वचन है उस पर कितना भरोसा है? सच अपने आप से पूछ लो, जितना डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा है क्या उतना आगम के वचन पर भरोसा है? डॉक्टर के लिए शुगर है, आपको ये नहीं करना, आसे ये नहीं करना, बिल्कुल चौकन्ना होकर, क्यों है ना, इधरा खाना, ये नहीं करना, वो कहना, ऐसा ही करना। और ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया तो
से देखा जाएगा जब जो होगा। अभी हमारा काल बाकी, जब होना है तब देखेंगे। यहाँ क्या कहते, देखो ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना तिरछे लेटर में, ये मैंने अपनी ओर से लिखा है। देखो हमें व्यतीत होने वाला काल यानी सेकंड मिनट घंटा ख्याल में आता है। जैसे हम कहेंगे कि हमने 3 घंटे स्वाध्याय किया, इसे व्यवहार काल कहते हैं। काल कहा तो काल नाम की वस्तु निश्चय काल मुख्य काल तथा काल द्रव्य होना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पुनश्च छह द्रव्य की वर्तना का कारण मुख्य काल है, काल द्रव्य उसका निमित्त है। वर्तना गुण द्रव्य समूह में ही पाया जाता है, उसका अर्थ है सभी द्रव्यों में वर्तना, वर्तन है वो कि विद्यमान रहेगा, किसी न किसी अवस्था रूप से रहना। ऐसा होने पर काल के आधार से सर्व द्रव्य प्रवर्तते हैं, प्रवर्तते हैं अपनी अपनी पर्याय रूप से परिणमते हैं। इसलिए परिणमन रूप जो क्रिया तथा उनका परत्व और अपरत्व अर्थात आगे पीछे बना, क्या कहना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा लड़का है ये छोटा लड़का है, तो हम आगे पीछे वाला हम बताए ना, वो किसकी अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से तो बताए। उसका जन्म होकर 10 साल हो गया, इसका जन्म होकर 5 साल हुए, वो बड़ा है ये छोटा है, कैसे कहा हमने, काल की अपेक्षा से बताया। ये परत्व अपरत्व वो काल का उपकार है, नहीं निमित्त है, काल के निमित्त से बताया जाता है। आगे बढ़ते रहते नीचे नीचे का पहले 570 की टीका। वह काल संक्रमण था पलटना, उसके विधान द्वारा अपने गुणों द्वारा परद्रव्य होकर नहीं परिणमता तथा परद्रव्य के गुणों को अपने में नहीं परिणमाता, और प्रेरक हेतुकर्ता होकर भी अन्य द्रव्य को अन्य गुणों सहित नहीं परिणमाता। परंतु देखो क्या कहना चाहते हैं, काल द्रव्य अन्य द्रव्यों में जाकर उसका परिणमन कराता होगा कि नहीं कराता होगा, तो कहते कुछ नहीं करता उसका, तो क्या करता है नीचे से दूसरे में नाना प्रकार के, नाना ने अनेक प्रकार के परिणामों को धारण करते हुए द्रव्य स्वयं स्वयमेव परिणमते हैं, उनको उदासीन सहज निमित्त मात्र होता है। उदासीन का अर्थ वो तो जीव और पुद्गल को उसको भिन्न बताने के लिए प्रेरक कहने में आते हैं, परंतु है सारे ही उदासीन, यानी परद्रव्य के प्रति सब उदासीन ही है। कोई एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में कुछ हेरा फेरी, कुछ मदद करता होगा, असर करता होगा, कुछ नहीं होता। ये मूलभूत सिद्धांत पक्का करना। तो काल द्रव्य को भी कैसा निमित्त का, उदासीन निमित्त है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने निज शक्ति से परिणमते हैं, वहाँ काल द्रव्य मौजूद है, हाजिर है, बस इतना इतना ही उसका अर्थ है। जैसे यहाँ देखते ना सूर्य सूरज उठता है, तो हम भी सुबह उठकर अपनी अपनी क्रिया स्वयं ही करते हैं। जैसे फूल है पुष्प वो भी मिलित हो जाता है, वो स्वयं ही होता है अपनी शक्ति के। सूरज आकर उसमें कुछ थोड़ा मदद करता होगा ना, ऐसा कुछ नहीं, ये कहना है। पर 571 की टीका। काल का निमित्त रूप आश्रय पाकर जीवादिक द्रव्य स्वकीय स्वकीय ने अपनी अपनी पर्याय रूप परिणमते है। उस पर्याय का जो अवस्था यानी पर्याय रहने का जो काल है, वह रुजुसूत्र नहीं, रुजुसूत्र नहीं वर्तमान पर्याय को पकड़ने वाला, उसको रुजुसूत्र नहीं कहते, उसकी अपेक्षा एक समय मात्र जानना, यानी पर्याय कितने काल तक टिकती है, तो एक समय तक टिकती, दूसरे समय में नई पर्याय हो सकती है कि पहले जैसी हो, परंतु पहले नहीं, हर समय नई 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 पर्याय होती। इट कैन बी सिमिलर बट नॉट सेम, जैसे केवल ज्ञान हो गया तो हर समय केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान, पर हर समय का नया नया, हर समय अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, ऐसा ना एक बार केवल जान लिया ना अभी क्या करना है, और बस वही चलता रहेगा वही पर्याय, नहीं, हर पर्याय नई नई परंतु प्रवाह रूप से अखंड रूप से कायम रहेगा, इसलिए उसको ध्रुव भी कहते हैं, परंतु समय तो एक समय वाली वो पर्याय, ये ना तो कहते हैं वो उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय ने प्रत्येक गुण की एक एक समय वाली पर्याय, उसको अर्थ पर्याय,
व्यंजन पर यह दो प्रकार से बताई जाती है, एक तो प्रदेशत्व गुण के परिणाम को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं, या अनेक समयों तक जिसको हम चिरकाल यानी लंबे समय तक वैसी वैसी पर्याय चलती है उसको भी व्यंजन पर्याय, जैसे मनुष्य पर्याय, ये देव पर्याय, यानी वो मनुष्यपना उसके लंबे काल तक चलता है तो उसको व्यंजन पर्याय भी कहेंगे। देखो यहाँ लिखा है नीचे व्यवहार विकल्प भेद और पर्याय सब एकार्थवाची है, इन शब्दों का अर्थ एक है, वहाँ व्यंजन पर्याय का अवस्थान अवस्थाने में रहना वर्तमान पना उसके द्वारा स्थिति और काल का प्रमाण वही व्यवहार काल है, उसकी अलग बात है। अब ये जो व्यवहार काल है उसका यूनिट क्या है, काल नापने का जो व्यवहार काल होती है एक सेकंड है एक घंटा है वो क्या हमने नापने का एक यूनिट बनाया, तो ऐसे यहाँ हमको व्यवहार काल नापना है तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है कि जिसका भी दूसरा अंश दूसरा भेद नहीं हो उसको कहते हैं समय। व्यवहार काल का सबसे छोटे में छोटा जो अंश है काल का उसको क्या कहते हैं समय। देखो यहाँ नीचे दिखा है नीचे के तरीका द्रव्यों के जघन्य पर्याय की स्थिति क्षणमात्र, क्षणमात्र समय मात्र, क्षण नाम समय का है। अभी वो समय कैसे नापना, कहते समीप तिष्ठने वाले बाजू बाजू में तिष्ठने वाले रहने वाले दो परमाणु मंद गमन रूप से परिणत होकर जितने काल में परस्पर उल्लंघन करते हैं उस काल का प्रमाण का नाम समय। परमाणु जब मंद गति से जाएंगे तो कितना जाएंगे, तो एक प्रदेश गमन तो उसको कितना लगता है काल से भी एक समय, तो क्या परमाणु शीघ्र गति से भी जा सकते हैं, कितना जाएंगे 14 कितने समय में एक समय, तो ये तो अभी हमारे सूक्ष्म ज्ञानियों के ख्याल में नहीं है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने अभी वहां तक खोज नहीं की है, जब करेंगे तो सच लगेगा। अभी क्या कहते हैं देखो दो परमाणु है और बाजू बाजू में है और वो मंद गति से एक दूसरे को पास हो रहे हैं तो उसके लिए कितना काल लगेगा, उसको कहेंगे एक समय। यानी काल का सबसे छोटा यूनिट उसको कहेंगे समय, वही बात यहाँ 661 पेज पर भी लिखी है। वो श्लोक का अर्थ देखते हैं, आकाश के एक प्रदेश में स्थित परमाणु मंद गति रूप से परिणमन करके उस प्रदेश के अनंतर अनंतर इमीडिएट नेक्स्ट दूसरे प्रदेश को जितने काल में प्राप्त हो वह समय नामक काल। परमाणु अति मंद गति से गमन करता है तो एक प्रदेश आगे जाने के लिए उसको कितना समय लगता है, एक समय। तो प्रदेश किसको कहना है, ये काल का तो हमने देखा यूनिट, काल का यूनिट है समय। अभी हमने कहा परमाणु एक प्रदेश जाता है तो प्रदेश क्या है, तो क्षेत्र का छोटे में छोटा यूनिट, यूनिट समझते ना नाप उसका एक, तो एक परमाणु जितना क्षेत्र रोकता है उसको कहेंगे एक प्रदेश, एक परमाणु का जो साइज है उसको कहेंगे एक प्रदेश। ये हो सकता है कि अनंत प्रदेश स्कंद भी एक प्रदेश में समा जाए हो, परंतु परमाणु को एक प्रदेश लगेगा, ऐसा नहीं वो प्रदेश का भी अनंत भाग व्यापेगा ऐसा नहीं कहा, एक परमाणु को कितनी जगह लगती है एक प्रदेश, वो प्रदेश कितना सूक्ष्म हमने देखा था याद है ना, हमने कहा था अणुओं के असंख्यात भाग में इतने प्रदेश है उसको समयों में कन्वर्ट करो असंख्यात संख्या कल्पकाल चले जाएंगे इतने समय उसमें होते इतनी संख्या में वो प्रदेश, तो प्रदेश कितना सूक्ष्म होगा और परमाणु भी कितना छोटा होगा इसका अंदाजा हम देख सकते, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने भी पहले अणु शोधा था, उन्होंने भी मूल द्रव्य निकाले थे एलिमेंट्स कहे थे, अभी अभी जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो वो अणु और अलग थे और अभी जो बाहर आया है तो उसके कहते तो अणु के भी और विभाग हो गए एटम के भी, उसमें भी वो न्यूक्लियस भी आएगा हम इलेक्ट्रॉन वो सब आ गए फिर उसके और भी आरएनए डीएनए और क्या क्या करें, तो अभी उसका थोड़ा सा और अभ्यास हुआ है। तो यहाँ तो कहते परमाणु जो छोटे में छोटा जो उद्गल का जो जिसको हम द्रव्य कहते हैं
उसका साइज कितना है तो एक प्रदेश है, और वो मंद गति से एक प्रदेश आगे चला जाएगा तो उसको कितना काल लगता है तो एक संसार। इसको कहेंगे व्यवहार काल, हम किसमें नापेंगे तो उसका छोटे में छोटा नाप क्या है तो एक संस। अब उसकी बात अभी यहाँ चलेगी, ये व्यवहार काल के जो यूनिट्स है उसकी हम यहाँ देखेंगे। पेज नंबर 661 पर हम देखते हैं व्यवहार काल को कहते 574 नंबर की गाथा है। देखो यहाँ तो ये आवली वगैरह की उसकी चर्चा, एक समय तो समझ गए ना, अभी उसके आगे देखो 574 की टीका। जगन में युक्ता संख्या समयों का समूह वह आवली। ये यहाँ संख्या छद ने जगन्य युक्त असंख्या, असंख्या के भी असंख्य प्रकार है। मूल में तीन प्रकार है, एक होता है परिता संख्या, एक होता है युक्ता संख्या और एक होता है असंख्या का संख्या। हमने देखा था सुझे बताया भी था कि जो जगन्य परिता संख्या नाम की छोटे में छोटी असंख्यात संख्या है उसको एक एक करके अलग से करा। जैसे चार संख्या को हम बिखेर दो एक एक में तो एक कितनी बार लिखना पड़ेगा, चार। तो इसको कहेंगे ए, हमने चार का विरलन किया। हमको पारिभाषिक शब्द देखने, चार का विरलन करना है, उसको बिखेर दो एक एक में छोटा छोटा स्प्रेड आउट कर दो तो कितने चार बार एक एक लिखना पड़ेगा। और चार को ही देय दे दो, देय ने हर एक के ऊपर चार को ही लिखो, उसको कहेंगे विरलन राशि चार और देय राशि भी चार, और फिर उसका आपस में गुणा करो तो कितना उत्तर आएगा, चार गुणा चार गुणा चार गुणा चार, चार बार चार लिखकर गुणा करो 256 आएगा। यहाँ क्या करना है, जगन्य परिकार संख्यात वाली जो छोटे में छोटी असंख्यात संख्या है उसको विरलन कर दो, एक 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 में बिखेर दो। फिर क्या करना, हर एक के माथे में जगन्य परिता संख्या, जगन्य परिता संख्या, जगन्य परिता संख्या लिख दो, आपस में गुणा करो सबको तो कौन सी संख्या मिलेगी, जगन्य युक्ता संख्या समय मिलेगी। उस संख्या को समयों में गिनेंगे उसको हम कहेंगे आवली, यानी आवली में इतने असंख्यात समय होते हैं। देखो यहाँ पढ़ेगा जगन्य युक्ता संख्या समयों का समूह वह आवली है, तथा संख्या आवली का समूह उच्छा उच्छवास है। हम जिसको सेकंड कहते हैं घड़ी में हम देखते हैं एक सेकंड हुआ इस घड़ी में, सेकंड एक आ गया फिर एक आ गया फिर एक आ गया, तो एक सेकंड में तो कितने होते, हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। कोड़ा कोड़ी समझते, एक करोड़ गुना एक करोड़, करोड़ में कितने जीरो होते हैं वो सब हमारे व्यापारी जानते हैं। हम बोले भैया हाँ सात सात जीरो, और कोड़ा कोड़ी में 14 जीरो, करोड़ गुना करोड़ उसको कहेंगे कोड़ा कोड़ी, एक करोड़ मल्टीप्लाइड बाय एक करोड़ उसको कोड़ा कोड़ी कहते। तो एक सेकंड में कितने कोड़ा कोड़ी होते आवली, हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। एक कोड़ा कोड़ी में देखेंगे तो कितनी अधिक हो गई है ना, इसलिए यहाँ तो हजारों लगाया शब्द, यानी सेकंड जो हमें छोटे में छोटा लगता है उसके कितने असंख्यात भेद किए उसको समय के, यानी समय कितना सूक्ष्म है हमारे सूक्ष्म ज्ञानियों के तो पकड़ में भी नहीं आ सकता। पकड़ में क्या, उसको हम कल्पना में भी नहीं ले सकते क्योंकि इतने भेद कैसे हो सकते हैं, पहले में प्रश्न चिन्ह लगता है हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। केवल ज्ञानी एक समय में पूरे ही अलोक सहित तीन लोक को और सभी द्रव्यों के सभी अनादि अनंत पर्याय को युगपत एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं। और ये कहाँ से निकले, ज्ञान होगा स्वभाव में से, और वो स्वभाव कहाँ पड़ा है हमारा, हमारे पास है ना, विद्यमान है, शाबुत है। तो यहाँ हम ये जो यूनिट्स है जो व्यवहार काल के उसको देखेंगे। सबसे छोटा यूनिट हमने क्या देखा अभी व्यवहार काल का, समय। जगन्य युक्ता संख्या समयों को क्या नाम दिया, आवली। अब संख्या आवली को कहेंगे उच्छ्वास। देखो यहाँ बोर्ड पर देखना, आपके हाथ में भी पेज दिए है आपके पर्चे, और यहाँ पर भी देख रहे हैं ये व्यवहार काल के सारे हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे छोटे में छोटा एक यूनिट है उसको हम कहेंगे समय। जगन्य युक्ता संख्या समयों की एक आवली होगी,
इसको आवली कहते हैं। संख्यात आवली, संख्यात कैन बी एनीथिंग, करोड़ों को भी संख्यात कहेंगे, दो चार पांच दस को भी संख्यात कहेंगे। तो संख्यात आवली उनको कहेंगे। उच्छ्वास, ये उच्छ्वास समझते क्या होता है? वो उच्छ्वास नहीं, जब थक हुआ दूसरी बार थक हुआ तो उसके बीच वाली जो स्पेस जितना पान है उसको भी उच्छ्वास। देखो इसमें उसका लिखा नहीं, कोई यहाँ नहीं, पेज नंबर 661 पर नीचे का पैराग्राफ। जो कोई मनुष्य आठ या अठारह सुखी हो, क्या कहते हैं ये उच्छ्वास किसको कहता है? तो कहते युवान होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, युवान होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। क्यों? बुखार आता है तो पल्स बढ़ जाती है, फास्ट हो जाता है, और फिर रोगी हो तो उसमें कोई किसी की कम हो जाती, किसी की अधिक हो जाती है। तो कहते हैं आठ हो सुखी हो, आलस्य रोग आदि से रहित हो, क्योंकि उसमें कभी पल्स स्लो डाउन होती है, कभी बढ़ती है, तो इसलिए उससे रहित हो। और युवा होना चाहिए, बच्चा नहीं चलेगा, उनकी पल्स फास्ट होती है। गर्भ के बालक की तो 141-60 होती पल में, है ना। स्वाधीन हो, उसके श्वासोच्छ्वास नामक एक प्राण का है। वो श्वासोच्छ्वास वो हवा अंदर लेना बाहर छोड़ना वो नहीं है, उसका काल जानना, यानी इसको श्वास और उच्छ्वास कहते हैं। जो बीटिंग होता है यानी वो टिश्यू लेवल पर भी जो, क्योंकि एक एक जीवन को भी श्वासोच्छ्वास होता है ना, उनके कहाँ नाक है, श्वासोच्छ्वास तो उनके भी चलता है। तो ये संख्या नावली को एक उच्छ्वास कहते हैं। ये यहाँ काल का एक नीड बनाया है। सात उच्छ्वासों के समूह को स्तोत्रम, सात स्तोत्रों का, सात उच्छ्वासों का एक स्तोत्र हुआ। सात स्तोत्र को कहा एक लव। ये सारे नाम है, हम इसको हमारे डेली इसमें रूटीन में नहीं वापरते, इसलिए सारे हमें नए लगते हैं। 38 कोना के एक विद्या, 38 लव को एक नाली ने एक घड़ी कहते हैं। घड़ी नहीं, हमारे यहाँ 24 मिनट की एक घड़ी होती है। ये 38 आपको ये चार्ट बस रेडीमेड है, ये लिखने में भी हमको कितनी, हमको ही नहीं, हमारे नहीं, हमारे विनोद भाई ने सारे चार्ट बनाए। चार्ट की बात नहीं, ये सारे जीव प्राण पुस्तकें दोनों ये उन्हीं ने डीटीपी करके दी है, और बिल्कुल जिनवानी के प्रति समर्पित है, बिना कोई मूल्य लिए हुए उन्होंने सारी बातें की। ये सारे ऐसे बहुत सारे हमारे वो प्रश्न भाई कहाँ गए, कहाँ गए प्रश्न, कहाँ गए थे, आए थे सुंदर वाले गए जैन भूगोल, उन्होंने किया है ट्रांसलेशन गुजराती में, उन्होंने भी स्वयं में कहा मैं इसको गुजराती बनाना चाहता, आपके हाथ में आएंगे गुजराती। देखो ये 38 इज इक्वल टू नाली एक घड़ी, दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, यानी हमारे 24 और 24 48 मिनट का एक मुहूर्त, वो शादी का मुहूर्त वो नहीं है। क्या करें, मुहूर्त चला जा रहा है और हमारी कन्या कहाँ है, ब्यूटी पार्लर में अभी आ रही है, उस मुहूर्त की बात नहीं है। ये यूनिट जो है काल का, दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और जो लेस देन मुहूर्त है उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। अंतर्मुहूर्त शब्द आता है ना हमेशा शास्त्र में, जो मुहूर्त से कम है उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अंत है उससे कम, इससे ज्यादा आवली में एक समय अधिक, वो छोटे में छोटा अंतर्मुहूर्त, और दो घड़ी में एक समय कम, ये बड़े में बड़ा अंतर्मुहूर्त, उसको बिंदु मुहूर्त भी कहते हैं। तो इसमें एक एक समय से सारे वेरिएशन जितने वो सारे को हम अंतर्मुहूर्त कहेंगे। तो अंतर्मुहूर्त शब्द आता है तो उसको हर जगह वो 48 मिनट वाला नहीं समझना। तो जीव को कितने समय तक अपने आत्मा में स्थिर होना है तो केवल ज्ञान होगा, एक अंतर यानी कितना बड़ा, 48 मिनट कम यानी एक समय कम यानी करीबन 48 मिनट, इतना काल नहीं लगता। छठे गुणस्थान का काल है उसे आधा सात्विक का,
और उससे भी पूरी श्रेणी चढ़कर उपशम श्रेणी चढ़कर भी उतरता है, उसका काल उससे भी छोटा है। अरे अकेले सातवें गुण स्थान का काल है, उससे भी पूरे शबक श्रेणी चढ़कर उठता है, उसका काल उसका भी छोटा है। हमें मालूम नहीं है अंतर्मुख के भेद। नौवे गुण स्थान का काल अंतर्मुख है और उसमें संख्या तजारणी कोड़ा कोड़ी बार अनेक अनेक स्थिति कांड और ये सब होते, हमने विस्तार में देखा था, वो सारे उस अंतर्मुख में कर दिए और फिर भी उसका काल कितना है तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कहेंगे हम। ये हमें लगता है 48 मिनट में अंतर में स्थिर हो जाएगा उसको केवल, यह ऐसा नहीं है क्योंकि हमको मालूम है ये अल्प भूतों काल के वगैरह वो सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमको फुर्सत कहाँ है ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो ये मूर्त जो है ये 48 मिनट यानी दो घड़ी का एक मूर्त लीला, मूर्त माइनस एक समय, उसका नाम है भिन्न मूर्त, ये सबसे बड़े में बड़ा। अभी उसके एक समय और कम करो और एक समय कम, ये सारे अंतर गुण के भेद आवली प्लस एक समय से लेकर यहाँ मुहूर्त माइनस एक समय तक बीच वाले सारे जो भेद है उसको अंतर्मुख कहते हैं। तो कौन सा वाला अंतर्मुख लेना जो केवल भगवान ने देखा है वो, ऐसा करके क्या था इस समय तो मिनिमम समय तो में रहने का काल कितना अंतर्मुख, कौन सा अंतर्मुख जो भगवान ने देखा है, यानी हम अपनी भाषा में उसको मिनटों में और सेकंडों में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करना, उसमें दोष लगता है अपने को। आगे देखिए उसको नाम उसका अंतर्मुख जगन्य को भी कहेंगे और उसको आगे आगे भी सुना है कहीं कहीं आवली के असंख्या के भाग को भी अंतर्मुख कहा है ग्रंथों में, देख लेना। अभी अपनी तीसरी पुस्तक लौला में हो रही बात, अभी जहाँ जो अपेक्षा होती है उसको जो उस वहाँ का विषय जो चल रहा है वहाँ का जो है उसके अनुसार समझना है, कोई वहाँ हट नहीं चलता अपना ऐसा क्यों, पर जनरली आवली प्लस एक समय छोटे भी छोटा अंतर्मुख और वो सबसे बड़ा जो है 48 दो घड़ी में एक समय कम, ये सबसे बड़ा अंतर्मुख जहाँ जो यथा योग्य काल लगता है वो शास्त्रों में उसका सारा ही कौन सा काल छोटा है कौन सा बड़ा है सारे ही एक दूसरे कंपेरेटिव कालों की भी स्टडी सब जगह बताई है, उसके अनुसार अपने को चलना है। ये उसके कुछ यूनिट बताए हैं, आगे भी पढ़ते हैं ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, मुहूर्त तक हम आए गए 30 मुहूर्त के और आता और आप यानी दिन और रात मिलकर 24 घंटे यानी 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते, 15 और रात यानी 15 दिन रात मिलकर एक पक्ष कहलाता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है ना वो 15 दिन का, दो पक्ष का एक मास है ना एक महीना होता है, ये तो हमारे सब मालूम है, दो मास का एक ऋतु कहलाता है नहीं मालूम, वो ग्रीष्म ऋतु उसके नाम ये तीन ऋतु, दो महीने का है दो इंटू तीन दिन छः महीने का एक अयन होता है, ये दक्षिण अयन उत्तरायण जो कहते हैं वो अयन कहलाता है और दो अयन का एक वर्ष होता है। ऐसे शास्त्र में अलग अलग जो शब्द आते हैं उनके अर्थ क्या है उसको हमको मालूम होना चाहिए। तो यही बात हमें यहाँ देखे हैं, इस सबको क्या कहेंगे व्यवहार काल, व्यवहार काल के ये अलग अलग यूनिट्स बताए यहाँ। अब 663 पेज पर आते हैं, ये जो व्यवहार काल है मनुष्य क्षेत्र में प्रकट रूप जानने योग्य है, क्योंकि हमने वहाँ अहोरात्र ने दिन रात आदि जो आगे बताए वर्ष है महीना है वो कैसे गिनते हम, 15 दिन का एक हमने पक्ष किया और 30 दिन का एक महीना बताया, तो दिन रात का भेद कहाँ है तो मनुष्य लोग में, नरकों में नहीं है, स्वर्गों में तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दिन रात का भेद हम कैसे गिनते हैं, सूर्य का जो गमन क्षेत्र है सूर्य का जो प्रकाश होना अंधेरा होना उसके अनुसार हम उसको गिनते हैं। तो कहते व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र में प्रकट रूप जानने योग्य है, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में ज्योतिषी देवों का चलने का काल यानी चंद्र सूर्य तारे आदि ज्योतिषियों के विमानों का भ्रमण का काल और व्यवहार काल समान है, यानी उसको एक दिन में कितना वो पूरा दिन और रात मिलकर
दिन और रात मिलकर क्यों कहा, अकेले दिन क्यों नहीं कहा, वो भी छोटा बड़ा होता है। 30 मुहूर्त है ना, कभी कभी 18 मुहूर्त का दिन होता है, 12 मुहूर्त की रात्रि होती है, दिन बड़ा और रात छोटी होता है ना। कभी कभी वो छोटे बदलते बदलते ऐसी अवस्था हो जाती है कि दिन छोटा और रात बड़ी हो जाती है। जैसे दिसंबर में हम देखते शाम से जल्दी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हमारा दिन छोटा है 12 मुहूर्त का और रात्रि बड़ी है 18 मुहूर्त। ये चेंजेस होते रहते, इसलिए दोनों का मिलकर 30 मुहूर्त वाला काल होता है। अहो और रात्र मिलकर, दिन और रात मिलकर वो काल होता है। और ये चंद्र सूर्य के भ्रमण के कारण ये जो यहाँ बनते हैं, ये मनुष्य हमारी आपकी अपेक्षा से ये यहाँ बताया जाता है। हम ये भी कहते हैं देवों में इतने वर्ष लगते हैं, इतना काल लगता है, वो हमारी अपेक्षा से उनका कथन करते हैं। तो वहाँ क्या पद्धति होगी काल गिनने की, आप जाओगे तब बताना हमको फिर। हाँ वह ये सब ज्योतिषियों का गमन तो सब देते वहां पर भी होगा। अभी व्यवहार काल जो है वो 3 प्रकार है, देखेंगे अभी 578 किसी का। अतीत यानी भूतकाल, जो बीत गया है, कब से चल रहा है, अनादि से। तो जो बीत गया है काल उसको कहेंगे अतीत काल। अनागत काल यानी जो आने वाला काल है, भविष्य काल, उसको कहेंगे अनागत। अनागत जो आया नहीं है, आने वाला है, वो अनागत भविष्य काल। और वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी वर्तमान का एक समय, बीत गया है अनंत काल, वर्तमान का एक समय और आने वाला अनंत काल। तो मेरा प्रश्न है, बीत गया है वो ज्यादा है कि आने वाला ज्यादा है? आने वाला। आपने कैसे जाना? क्योंकि अनादि से है उसको बिगिनिंग नहीं है, और जो वो अतीत काल हुआ, आने वाला है जिसको एंड नहीं है। तो पीछे 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 जाएंगे वो ज्यादा है कि आगे आगे जाएंगे वो ज्यादा है? कैसे कह सकते हैं? अंत नहीं, इसको भी आदि नहीं है, दोनों समान तो ना। हमको तो उसके लिए बिल्कुल प्रूफ चाहिए, ये अतीत काल अभी तक कितना बीत गया है उसको हमको गिनना है। तो गिन के फिर नक्की करेंगे। वर्तमान तो एक ही समय का है, पीछे देखेंगे ना, अतीत काल है और आने वाला है वो अनागत काल है। देखो यहाँ हम गाते क्या, देखो ये इसको सारी उन्होंने बिल्कुल उसका गणित करके नक्की किया है, कितना काल अभी तक बीत गया है उसको हमको गणित में बताओ, इतना काल बीत गया नक्की करो। पहले 6 महीने 8 समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं? कितने महीने में? 6 महीने। 8 समय जाने दो, 608 के लिए 6 महीने, तो एक जीव के लिए कितना लगता होगा काल? बोलो मैथमेटिक्स। 600 ले रहा थे, 8 भी जाने हैं, 600 लोगों के लिए 6 महीने लगते। 100 के लिए 1 महीना, यानी 100 लोग 30 दिन में जाते हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ ये करीबन 9 मुहूर्त लगते, 9 मुहूर्त, ये जिसको हम कहेंगे संख्या तावली लगता है। नहीं समझे, किस से सुनना पड़ा? एक जीव को यानी हम उसको समान रूप से 6 महीने 8 समय में तो 6-7 जीव नियम से मुक्त जाते ही जाते, ये तो नियम है, अनादि से ऐसा होता है। और ऐसे 6 महीने 8 समय में कितने बीत गए तो अनंत बीत गए। तो हम ऐसा निकालेंगे कि एक जीव के लिए कितना काल लगा, संख्या तावली, ये तो बराबर है ना, कुछ मुहूर्त लगे उसके, यानी एक दिन का कुछ भाग, कुछ हिस्सा लगा, जिसको हम संख्या तावली कहेंगे। संख्या तावली असंख्या समय लगे ये तो नक्की है ना, एक जीव के लिए असंख्या समय लगे, बिल्कुल हम स्थूल रूप से विचार करें तो जीव कितने हुए अभी तक? अनंत जीव सिद्ध हो चुके। तो अनंत जितने सिद्ध हो गए, यानी सिद्ध राशि जो है उसको असंख्या से गुणा करेंगे तो हमारा अतीत काल आएगा।
यहाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक जीव के लिए असंख्या समय लगे, कितने असंख्या समय, कुछ मुहूर्त लगे, हम आपको बताने के लिए 9 मुहूर्त के आसपास काल लगा करीब। तो ऐसे जीव कितने हुए अभी तक, सिद्ध अनंत हुए। तो सिद्ध राशि वाला अनंत को हम असंख्या से गुणा करेंगे तो इतना काल बीत गया। तो सिद्ध जीव कितने हैं पूरे जीव राशि से, अनंत विभाग बना, ये तो लगती है। यानी पूरे जीव राशि के अनंत विभाग को असंख्या गुणा करो, इतना काल बीत गया, नहीं समझ। अरे एक निगोच शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव है, वो भी कोई एक जीव निगोच शरीर के जीव भी तीन काल में सिद्ध नहीं होने वाले। मैं क्या निराय करना चाहती हूँ, जरा देखना है, विचार करना, कितना काल बीत गया है, अनंत, कितना अनंत। जीव राशि वाला जो अनंत है उसके अनंत में भाग प्रमाण जो सिद्ध राशि है उसको असंख्या से गुणा करो, इतना ही काल बीत गया। अब आने वाला काल कितना है उसका जरा देखो, मैं इसमें से पढ़ के बताऊंगी आपको, ये मूल गाथा में बात लिखी है, उसको मैं पहले मेरी भाषा में बताऊंगी फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो आने वाला काल कितना है देखो, एक इसी में संख्या मान में द्विरूप वर्ग धारा आती है, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप यानी दो। अब इस धारा में जैसे हम स्कूल में पहाड़े सीखते थे ना, वैसे यहाँ क्या करना है, वर्ग, इसके वर्ग करते हैं। दो का वर्ग कितना है, पहला वर्ग है 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65536, जिसको पन्नटी कहते हैं, उसका वर्ग 12, उसका वर्ग 31। अभी इतने 5-6 बार किया तो 20 डिजिट प्रमाण हो गई संख्या। अब इसको वर्ग 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 करते तो बहुत सारे वर्ग पर पल्ले आता है, पुनः उतने असंख्या वर्ग जाने पर अमूल आता है, पुनः उतने वर्ग कर, अनंत 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 बार वर्ग किए तब जाके जीव राशि आई। जैसे हमने दो संख्या को लिख कर वर्ग 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 अनंत दो बार किया तब जीव राशि आई। अब दो के स्थान पर जीव राशि को रखना, जीव राशि का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग कितना, अनंत अनंत बार और करो तो जाके पुद्गल राशि आई। यानी टोटल राशि से पुद्गल कितने अनंत गुण है, केवल हम अनंत गुण कहते हैं। अब पुद्गल राशि से रखो पुद्गल राशि को और उसको पुद्गल राशि के वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग कितने बार, अनंत 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 बार करो तब जाके तीन काल के समय आए। अब ये तीन काल के समयों से कितना काल बीत गया, जीव राशि के अनंत में बाप को असंख्या गुणा करो, इतना ही बीत गया जो बीत गया उसे जीव राशि के अनंत गुणी है, और जीव राशि से पुद्गल अनंत गुणी है, पुद्गल से तीन लोक काल के समय अनंत गुणी। तो अतीत काल कितने अनंत गुण है ख्याल में आता है। तो एक प्रश्न है, किसी जीव का सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर उसके अनादि से उसकी संसार अवस्था बड़ी होगी कि उसकी सिद्ध अवस्था बड़ी होगी, क्योंकि जब से वो सिद्ध बना है अनंत काल आगे वो सिद्ध रहा है, तो जो बीत गया उसका संसार अवस्था वो अनंत में भाग प्रमाण हो जाएगी उसकी, क्या में आती है ना। ये अतीत काल से अनागत काल अनंत गुना है, ये बात यहाँ गाथा में लिखी है, मैं वहां से पढ़ूंगी भी आपको बताऊंगी, समझ रहे ना हमने कैसा डिराइव किया। हमको डिराइव करना है गणित से, गणित से डिराइव करना है। तो हमने क्या किया, अतीत काल कितना गया उसमें सिद्ध एक जीव के लिए कितना काल, अनंत जीवों के कितना काल, इस तरह से देखा। अब ये हम गाथा में से पढ़कर पुस्तक में से पढ़कर आपको शाम को बताएंगे, जरा अच्छे तरह से भोजन विजन करके शाम को आना तब उसकी चर्चा करें। अब तो हम यही रुके, बोलो 24 और 2।